नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूँ अपने नए चैनल इंजीनियर हूँ व्लॉग्स की पहली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रॉयल इनफील्ड 350cc में लेग गार्ड इंस्टॉल करने जा रहे हैं। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो लेग गार्ड खरीदा है वो रॉयल इनफील्ड की ऑफिशियल साइट से खरीदा है और इस जो लेग गार्ड का नाम है वो है ऑक्टेगन इंजन गार्ड। जी हाँ, ये मुझे 2300 रुपीज़ का पड़ा है। तो चलिए आगे की वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो भाई, लेग गार्ड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जो उनसे लेग गार्ड में बोल्ट्स हैं उनको अनबोल्ट कर लो। इसमें टोटल 3 बोल्ट्स हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे। उसके बाद आप अपने बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा लीजिए एंड इसका जो हैंडल है हमेशा सीधा रखना है। एंड थर्ड स्टेप क्या है कि जो लेग जो सबसे लंबा बोल्ट है नीचे, जो इंजन चेसिस के नीचे है, सबसे पहले उसको लगा लीजिए। बट एक ध्यान रखना है कि इसको टाइट नहीं करना, अगर इसको टाइट कर दिया जो ऊपर वाले 2 बोल्ट्स हैं वो नहीं लग पाएंगे। इसके बाद भाई एंड यहाँ पे एक मेन पॉइंट ऐसे है कि जो अपने ऑक्सीजन सेंसर की तार है इसको आप ऊपर से थोड़ा ढीला कर लीजिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप लेग गार्ड लगाएंगे तो ऑक्सीजन सेंसर की तार में बहुत टेंशन आएगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो प्रिवेंट दिस टेंशन, अब इसके लिए जो हम ऑक्सीजन सेंसर की तार है वो लेग गार्ड के नीचे से निकाल लेते हैं। अगर हम ऊपर से उसको तार को निकालेंगे तो उस ऑक्सीजन सेंसर पर बहुत टेंशन आ रहा है, जिससे उसकी लाइफ कम हो सकती है। एंड जो इसकी एल्बो है उसको आप अपनी क्लच की केबल से एंड जो सी दूसरी वायरिंग है उसके बीच में से निकालिए, ताकि वो बीच में लेग गार्ड के ना फंसे। आफ्टर दिस, इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है अपने दोनों बोल्ट्स को जो ऊपर वाले हैं। और इसको आप ध्यान रखना कि आप इसको एक साथ इंस्टॉल करें, अगर आप एक तरफ पे अपना बोल्ट कस देंगे तो दूसरी तरफ पे नहीं लग पाएगा। इसके लिए आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं आप वीडियो में देख पा रहे हो कि जो लेग गार्ड है उसको और ऑक्सीजन सेंसर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर कहीं भी टच नहीं कर रहा है, इससे ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर कोई वजन नहीं आ रहा है। और जो भाई फाइनल स्टेप है उसके अंदर आपको जो नीचे वाला चेसिस के नीचे जो हमने बोल्ट छोड़ा था उसको टाइट कर लीजिए। एंड इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट मत करना कि जिससे उसका पेंट खराब हो। तो भाई अपना कुछ इंस्टॉल करने के बाद लेग गार्ड ऐसा लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना और बुलेट लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो यार, फैला दो वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और इस जो चैनल का टैगलाइन रहने वाला है वो रहने वाला है इंजीनियरिंग माता की जय।